और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के कालिंदी कुंज से खबर आ रही है। कालिंदी कुंज के पास फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई है। सुबह करीब 5:30 बजे मार्केट में आग लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आग की लपटें ऊपर तक दिखाई दे रही है, धुआं भी दूर तक देखा जा सकता है। लपटों की वजह से कुछ देर के लिए मेट्रो को भी रोकना पड़ा। मजेंटा लाइन जो है दिल्ली की वो प्रभावित रही। फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियां पहुंची, लेकिन हालत की यहां पर राहत की बात यह है कि आग को काबू पाने में ये कामयाब रहे, लेकिन मेट्रो सेवा को कुछ देर तक के लिए रोकना पड़ा, जिसकी वजह से जो लोग रोजाना मजेंटा लाइन से सफर करते हैं उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल भरा समय जरूर रहा। फायर की 17 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। भीषण आग, ये आप परिचित होंगे अगर आप दिल्ली वासी हैं कि किस तरह से एक बड़े इलाके में ये फर्नीचर मार्केट फैली हुई है। चिराग गोठी हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग, इस वक्त क्या स्थिति है, आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, आग पर तकरीबन आधे घंटे पहले काबू पा लिया गया। अभी भी हल्का हल्का धुआं जरूर है, वो कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर है। और मैं अपने कैमरामैन विपिन से कहूंगा वो दिखाए पिलर। ये देखिए, ऊपर जो पिलर है मेट्रो का, दरअसल ये पिलर नंबर 206-7-8 है, ये थोड़ा इफेक्टेड जरूर हुआ है। ये काला पड़ गया आग और धुएं की वजह से, और इस पर शुरुआत में मेट्रो को रोका गया था, लेकिन अब दोबारा से जो मेट्रो का रन है वो शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पर अब ट्रायल रन थोड़ी देर पहले चल रहा था, और अब मेट्रो में हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले भी निकली है मेट्रो, तो अब थोड़ी कुछ इंटरवल्स के बाद ही मेट्रो यहाँ से गुजर रही है, यानी कि जो सर्विस है वो रिज्यूम कर दी गई है। हालांकि ये तकरीबन 1 घंटे तक सर्विस जो है वो डिस्टर्ब रही थी, वो इस वजह से क्योंकि ये सारा जिस तरह से आग लगी थी, बिल्कुल इसके नीचे फर्नीचर मार्केट आप देखिए, और यहीं पर जो है तकरीबन 40 के आसपास दुकानें थी जिसमें आग लग गई थी, और उसके बाद एकाएक करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई जान की नुकसान नहीं हो, माल का काफी नुकसान हो गया, और लगता है 4-4.5 घंटे की मशक्कत के बाद इसको काबू में कर लिया गया। और अब स्थिति यह है कि यहाँ पर अभी भी देखिए स्काई लिफ्ट से मौजूद थे इंजीनियर्स, थे जो मेट्रो के इंजीनियर्स थे, वो यहाँ पर चेक कर रहे थे पिलर, एक एक पिलर को इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वीक हो गया वो पिलर आग लगने की वजह से, क्योंकि गर्मी टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर है, और ऐसे में आग भी लगी, और जिस तरह से धुआं और आग का जो इफेक्ट पड़ा है, पूरा पिलर काला हुआ पड़ा, तो ऐसे में ये भी चेक किया जा रहा था कि क्या वाकई ऐसा तो नहीं कि वीक हो गया और डैमेज हो सकता है। तो कई बार यहाँ से मेट्रो गुजरी, ट्रायल रन होता रहा तकरीबन 1 घंटे तक। उसके बाद अब स्थिति यह है कि ट्रायल रन के बाद मेट्रो भी अब गुजरी है, जिसमें यात्री मौजूद थे, और फिलहाल स्थिति यह है कि मेट्रो को भी रिज्यूम कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से सवाल कई उठते हैं कि बिल्कुल मेट्रो के पिलर के नीचे इस तरह से मार्केट चल रही थी, और वजह साफ नहीं किस वजह से आग लगी, जिसके बाद आप देखिए पूरा करोड़ों रुपए का सामान इसमें था। यहाँ पर लोगों की एक एक दुकान में जो लोगों से बात हुई हमारी, उनका कहना है तकरीबन 20 से 25 लाख का माल पड़ा हुआ था, और ये सारा माल जो है वो स्वाहा हो गया गर्मी में, और जिस तरह से आग लगी। तो फिलहाल स्थिति यह है कि अभी मेट्रो सेवा दुरुस्त हो गई है। मजेंटा लाइन इसको कहा जाता है, कालिंदी कुंज से जुड़ती है।